एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति प्रणव. और मैं हूँ प्रीति. आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ लिपस्टिक स्वॉचेस, और कुछ ऐसे लिपस्टिक्स शेयर कर रही हूँ जो कि हर विमेन के पास होना चाहिए. ऐसे शेड्स हैं, बिल्कुल वेराइटी ऑफ शेड्स हैं, एंड आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलने वाला है पर्पल पे, क्योंकि चल रही है वहाँ पे विमेन्स डे सेल 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक के. तो ये वीडियो देखने के बाद तुरंत आप ऑर्डर प्लेस करिए अगर आपको लिपस्टिक कलेक्शन करना है, अपने पास रखना है तो. और मैं बहुत ही छाट के लाई हूँ अपने पूरे लिपस्टिक कलेक्शन में से ये कुछ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अफोर्डेबल लिपस्टिक्स, जो कि अगर आप अपने मेकअप कलेक्शन में ऐड कर लेंगे तो आपको और किसी लिपस्टिक शेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पर्पल पर जो सेल है उसमें आपको पर्पल के जितनी इनहाउस ब्रांड्स हैं उनकी जो लिपस्टिक्स हैं वो बाय वन गेट वन मिलेगी. तो जल्दी से हम सारे शेड्स देख लेते हैं. इन लिपस्टिक्स की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको. तो सबसे पहला जो शेड है ये बहुत ही प्यारा लिप क्रेयॉन है पर्पल का. मेरा जब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता ना कि मुझे अभी क्या लगाना है इस पर्टिकुलर ड्रेस में, मैं कौन सी लिपस्टिक लगाऊँ, तो मैं ये लगाती हूँ और मैं निकल जाती हूँ. अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफर प्रूफ है, एंड जितने लिपस्टिक्स मैं आपको दिखा रही हूँ सारी ट्रांसफर प्रूफ है, सारी किस प्रूफ है. और ये बिल्कुल भी बटरिंग नहीं है, बट मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स की भी लिपस्टिक यूज़ कर ली जो हज़ारों में आती हैं. एंड ये जो मैं पर्पल के जो इनहाउस ब्रांड्स की जो लिपस्टिक्स हैं ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत लंबे टाइम से. मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो इन लिपस्टिक्स का फॉर्मूला है ये बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल भी लिप्स को ड्राई नहीं करता है, एंड जो रेट है उसके अकॉर्डिंग इतना अच्छा प्रोडक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है. सो जो ये सबसे पहला शेड है ये बहुत ही खूबसूरत सा पिंक टोन वाला न्यूड शेड है, जो कि जैसे कि मैंने बोला एवरीडे पर्पस पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत खूबसूरत है. देन जो नेक्स्ट शेड है ये थोड़ा सा रेड अंडर टोन में, बट स्टिल आई विल कॉल इट अ न्यूड शेड, क्योंकि ये वैसा एकदम रेड नहीं है, थोड़ा सा रेडिश न्यूडिश शेड है जो कि लिप्स को बहुत ही काम लुक देता है, एंड बहुत ही सिंपल अटायर के साथ एंड सिंपल लुक के साथ में अगर आपने हैवी आई मेकअप किया हुआ है तो इस तरीके के जो लिप शेड्स होते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं. ऑलमोस्ट एक न्यूड टाइप का ही शेड है ये. देन अगैन मैं एक न्यूड शेड ही आपको बता रही हूँ जो कि ब्राउन शेड है, एंड ये मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है. मेरे मोस्टली जो वीडियोज़ हैं उसमें ये मैं लिपस्टिक लगाकर रखती हूँ, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी लिपस्टिक लगाई है, एंड इसका जो फॉर्मूला वगैरह है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड लिपस्टिक्स की बात चल रही है तो रेड लिपस्टिक को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है रेड लिपस्टिक का, जो कि थोड़ा सा टमेटो रेड काइंड ऑफ शेड है. अगैन किसी भी फेस्टिवल में आप आराम से इसे वेयर कर सकते हैं, इंडो वेस्टर्न, इंडियन वेस्टर्न, किसी भी कलर के अटायर पे ये लिप शेड जो है ये रॉक करता है एंड सिंपल लुक को बहुत ही ग्लैम अप कर देता है. देन ये मैं एक आपको मरून शेड बता रही हूँ. सारे शेड्स के नेम लिखे हैं, दैट्स व्हाई मैं शेड का नेम नहीं बोल रही हूँ. ये मरून शेड भी मैं मोस्टली जो त्यौहार होते हैं ना, लाइक करवा चौथ टाइप के त्यौहार, तब मैं इस तरीके के शेड्स लगाना पसंद करती हूँ, एंड ये शेड भी हमारे पास होना ही चाहिए. अब पिंक लवर्स के लिए सबसे पहला पिंक शेड है ये, बहुत ही प्यारा पिंक शेड जो कि हर एक स्किन टोन पर, चाहे आप फेयर हो या डस्की हो, ये पिंक शेड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है. एंड अगेन इसका भी फॉर्मूला बहुत अच्छा है. और ये है लास्ट शेड जो कि थोड़ा सा पर्पल और पिंक टाइप का शेड है, और ये भी मुझे ऐसा लगता है मोस्टली जो बहुत ज़्यादा डस्की स्किन है उन पर ये शेड ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड जो बहुत फेयर है उन पर ये जो शेड है ये ज़्यादा अच्छा लगता है. आपको कौन सा शेड सबसे अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मेरे तो सारे ही फेवरेट हैं, दैट्स वाई इस वीडियो में. सो आई होप ये जो सारे शेड्स थे वो पसंद आए होंगे आपको. सारे लिंक्स आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.